Hello aspirants, JEE Mains dates are finally out. Yes, 28th October 2024 को NTA ने अपने वेबसाइट पे पब्लिक नोटिस पब्लिश किया है, जिसमें उसने JEE Mains फर्स्ट सेशन और JEE Mains सेकंड सेशन के काफी सारे डिटेल्स क्लैरिफाई कर दिए हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. For academic session 2025-26, it has been decided that JEE Mains 2025 will be conducted in two sessions. Session 1 January 2025 and Session 2 April 2025. अब इसमें जैसे usually NTA करता है, जैसे usually JEE Mains होता है, दो sessions में, एक January में, एक April में, वैसा ही होगा. No changes as such. अब सेशन 1 जनवरी 2025 के डिटेल्स NTA ने एक टेबुलर फॉर्म में अपने वेबसाइट पे पब्लिश करे हैं. इसका ये टेबुलर फॉर्म आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28th October 2024 से लेकर के 22 November 2024 up to 9 PM. मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 1 month का समय है, जो कि है 28th October से लेकर के 22 November तक. आपके पास टोटल 1 month का समय है. मेरा सजेशन ये है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, आप अपना टाइम लेके फॉर्म फिलअप कीजिए, डोंट मेक मिस्टेक्स. Second point, last day of successful transaction of fee through credit, debit, net banking, UPI है 22 November 2024 up to 11:50 PM. मतलब रात के 11:50 तक 22 नवंबर तक 2024 आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन मोड से. ये सब हम जानते हैं कि ऑनलाइन मोड से ही फी पेमेंट होता है, आप कर सकते हैं, आपके पास काफी टाइम है. अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जिस सिटी में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिस सिटी में आपका सेंटर होगा, उसका अनाउंसमेंट होगा बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025. आपके पास काफी प्रेफरेंसेस होंगे, आप अकॉर्डिंगली अपना प्रेफरेंस दीजिए सिटी का, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 को आपका ये पता चल जाएगा आपको कि आप किस सिटी में बैठ के एग्जाम देने वाले हो. नेक्स्ट, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA वेबसाइट. फाइनली NTA के वेबसाइट पे जा करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन. आपका जब आपका एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो, उसके 3 दिन पहले आप NTA के वेबसाइट पे जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन. फाइनली NTA JEE Mains फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लैरिफाई कर चुका है, जो कि है बिटवीन जनवरी 22 टू 31 जनवरी 2025. इसके बीच में, इस पीरियड के बीच में आपका JEE Mains फर्स्ट सेशन होने वाला है, कंफर्म्ड. नेक्स्ट, सेंटर डेट शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड. ये आपके एडमिट कार्ड पे ही लिखा होगा, राइट. डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट. जब आप एग्जाम दे दोगे, उसके कुछ टाइम बाद आपका आंसर की वेबसाइट पर आ जाएगा, जिससे आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो, आप स्कोर अपना बना सकते हो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, वगैरह वगैरह. NTA अपना वेबसाइट भी डाल दिया है, ये कहीं आपको इधर दिख रहा होगा NTA का वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा NTA का वेबसाइट. Declaration of result on NTA website. Finally, JEE Mains first session का जो result है, वो NTA अपने website पे by 12th February 2025 publish करेगा. मतलब 12 February 2025 तक NTA declare कर देगा अपना results JEE Mains first session का, ठीक है. 12 फरवरी तक कभी भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, पर उससे बाद नहीं होगा, उससे पहले ही होगा, राइट. नाउ
अब ये हम लोग इसी के साथ जेई मेंस फर्स्ट सेशन का जितना भी डिटेल्स है वो खत्म होता है, ये टेबल हम लोग का खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, ये आप सबको पता है कि 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है। अब गेटिंग इन टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1 जनवरी 2025 एग्जामिनेशन एंड पे द एग्जाम फी अकॉर्डिंगली, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर सेशन 2 अप्रैल सेपरेटली यूजिंग सेम एप्लीकेशन नंबर अलॉन्ग विथ फी पेमेंट फॉर विच सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड। मतलब अगर आपको दोनों सेशंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको फर्स्ट सेशन सेपरेटली फॉर्म फिलअप करना होगा और सेकेंड सेशन सेपरेटली फॉर्म फिलअप करना होगा, जब सेकेंड सेशन का डिटेल्स आएगा अप्रैल के आसपास तब आप करेंगे। और ये बेसिकली सेम एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको करना होगा, ओके। इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर सेशन 2 अप्रैल 2025, द कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड पे द एग्जामिनेशन फी फॉर सेशन 2 ड्यूरिंग दैट पीरियड। इफ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर सेशन 2 अप्रैल 2025, ही कैन रजिस्टर लेटर व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 2 अप्रैल 2025 इज एक्टिव। मतलब आप या तो दोनों सेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो पर आपको फीस दोनों सेशंस के लिए अलग अलग देना होगा, या तो सिर्फ आप सेकेंड सेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उस सेशन के लिए अलग से फी पेमेंट और अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा जब उसका फॉर्म अवेलेबल होगा ऑन एनटीए का वेबसाइट। इज दैट क्लियर? Next, the application window for session 2 will be reopened as per the details available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice. NTA जैसे अभी session 1 का public notice available करवाया है, वैसे ही session 2 का भी public notice publish कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि कब उसके website पे application form reopen हुआ है। और आप या तो दोनों sessions के लिए बैठ सकते हो या फिर आप अपने मन से सेकेंड सेशन के लिए सिर्फ बैठ सकते हो। नेक्स्ट, एक टेबल दिया हुआ है, जे मेन्स सेशन 1 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। मतलब जे मेन्स का मार्किंग स्कीम कैसा होता है, जे मेन्स में कैसे कैसे मार्क्स के कितने कितने सेक्शंस होते हैं, एवरीथिंग उसने एक पिंक कलर के टेबल में दिया हुआ है जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 बीटेक, सब्जेक्ट्स 3, आप सबको पता है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। इस साल एक बहुत बड़ा चेंज है। लेट्स सी, सेक्शन ए में 20-20-20 क्वेश्चंस जैसे पहले होते थे, सेक्शन बी में 5-5-5 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में पहले कैसा होता था, पहले होता था 10-10 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 ही होते थे, पर इस बार और इस बार भी 75 ही हैं, पर इस बार सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, नो चॉइसेस एज सच। आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा ये हम लोग को पता है, और पेपर का जो शिफ्ट है वो 9 से 12 और दूसरा शिफ्ट 3 से 6 होने वाला है। ये सब कुछ हम लोग को पता है, बट एक मेजर चेंज जो एनटीए इस साल से लेकर आ रहा है वो ये है कि इस साल सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होने वाले हैं। इसके नीचे लिखा भी हुआ है, फॉर पेपर 1 एंड पार्ट ऑफ पेपर 2 ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस। सेक्शन ए विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चंस हुज आंसर्स आर टू बी फिल्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मतलब दोनों सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस वो एमसीक्यूज होंगे और सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको देने हैं। और
ये बहुत बड़ा चेंज एनटीए इस बार लेकर आया है। सो इसी के साथ हम लोग का पब्लिक नोटिस खत्म होता है। आपके पास कुल मिला के 84 डेज है। मेक दीज 84 डेज काउंट। दीज आर द मोस्ट क्रूशियल डेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ 2 से 2.5 महीने में होने वाला है। मेक दीज डेज काउंट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, रिविजन पे ध्यान दीजिए, अपना एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल, स्टडी टाइम टेबल बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड इस प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी एक मेंटोर की जरूरत हो तो ऊंचाई इज ऑलवेज देयर फॉर यू। This is the best time जहां पे आप mentorship ले सकते हो एक IITian से या फिर एक medical student से। This is the best time you can prevail this। अब अपने हमारे official website पर, ऊंचाई के official website पर जा करके आप free mentorship call भी ले सकते हो from an IITian। This is the best time you can do it। And ज़्यादा से ज़्यादा questions प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मटेरियल ऊंचाई पे सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है। आप अपने प्रेपरेशन को इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन गेट दैट ड्रीम कॉलेज। यस, और इस प्रोसेस में आपको कहीं भी जरूरत हो, ऊंचाई इज ऑलवेज देयर विथ यू।